होता है कि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह भी हों जो आपके विरोधियों के साथ लड़े, एक तो होता है राजयोग, लेकिन पीएम मोदी की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं कि विरोधियों में भी कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं नजर आता, कोई मुकाबले में नजर नहीं आता? बात सिर्फ ये नहीं है, इस मंगल यानी कि लग्नेश की युति जो है वो नवमेश चंद्रमा के साथ है। ये एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर को जन्म देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कर्मारूढ़ है, जो कर्म करने से रुकेगा नहीं। और कुछ ऐसे योग हैं जैसे कि पंचमेश बृहस्पति का और नवमेश चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में आना, ऐसे व्यक्ति से जितने भी उनके विरोधी हैं या जो भी वो प्रतिस्पर्धा करेंगे उसमें जीत उनकी होगी। अब अगर आप आजकल देखें, जब ये रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो मंगल का गोचर अभी ही मेष राशि में हुआ है जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में छठा भाव है। अब प्रतिद्वंदी तो यहाँ बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गोचर में बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, ये तीनों ग्रह इस समय दशम से दशम यानी कि सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो जीत तो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है पीएम मोदी की, ये आप जान लीजिए। चलिए अब राहुल गांधी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि विरोधियों की बात हुई तो अब ऐसे में राहुल गांधी से बड़ा विरोधी कौन है? राहुल गांधी की अगर हम बात करें, रूपा जी से अगला प्रश्न मेरा रखेगा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हो पाए हैं? उनके लिए क्या कहता है आपका गणित, क्या कहता है ज्योतिषाचार्य का एग्जिट पोल? राहुल गांधी की बात करें तो देखिए, जो कुंडली हमारे पास अवेलेबल है, जो कि नेट पर अवेलेबल होती है, मेरे पास मिथुन लग्न की कुंडली है जो कि ये बताती है ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और सूर्य और मंगल इनके लग्न में है, कहीं ना कहीं राजनीति विरासत में इनको मिली है, परंतु ये अपनी राजनीति को संभाल नहीं पाए, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए, अपनी विरासत को क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि इनको वाणी दोष, बुध 12 में होकर इनको वाणी दोष लगता है, कहीं ना कहीं हंसी के पात्र भी ये बने हैं कहा जाता है। और कहे अगर मैं कुंडली देखूं तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये अपनी उस चीज़ को, अपनी प्रखरता को निखार नहीं पाएंगे, उस निर्णय कुछ ऐसे नहीं ले पाएंगे, वो निर्णय जो इनके राजनीतिक स्तर पर इनको कुछ ऊंचाइयां दिला पाएं। लेकिन अगर मैं 2024 अभी इनके चुनावों की बात करूं, जो इनका मुझे गणना दिखाई देती है, तो निश्चित ही ये अपने आप को उभारने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज को निखारने का काम करेंगे, कुछ सीटें इनको मिलती हुई मुझे दिखाई देती। और अब 2024 से, अप्रैल के बाद से, कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक करियर में भी आप इनकी थोड़ी सी सक्रियता देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे इनके भाषण या कुछ ऐसे इनके वाद विवाद देखेंगे जो कि जनता भी देखकर ये आश्चर्यजनक होगी कि इन्होंने, इनकी तरफ से ये चीज़ें आई हैं, कुछ मुद्दे आप कह लीजिए। कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में मैं अगर देखूँ तो राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का योग मैं नहीं देख पाती हूँ। इनके कुछ इनके कारण जो कुंडली में बताते हैं वो यही बताते हैं, ये सहयोगी ज़रूर रहेंगे कांग्रेस के, ये कहीं ना कहीं सहयोगी तरीके से काम करते रहेंगे, परंतु इनकी कुंडली में कुछ विशेषकर और प्रबल योग राजनीति से संबंधित मैं नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है रूपा जी, अब अगला सवाल मेरा है। और इनका जो चंद्रमा है, चंद्रमा कहीं ना कहीं इनका नीच राशि में है, जो कि इनके प्रक्रम को, जो इनकी जिसे कहते हैं ना प्रक्रम, और इनके भाग्य को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत आगे तक नहीं जाते हुए मुझे नजर आते। बिल्कुल, तो आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ भी मोड़ लेते हैं अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हो, जैसा कि हमने राहुल गांधी का देखा है। अब बात करूंगी मैं अमित शाह की, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। कहा जाता है कि जब आपका बुध स्ट्रांग होता है तो वाणी आपकी बहुत मजबूत होती है, और बुध मजबूत होने की वजह से इसका सीधा प्रभाव आपके वक्तव्य पर पड़ता है, जिस तरह से आप बोलते हैं, आपकी बोलने की शैली है। अगला सवाल मेरा पालू चौधरी जी आपसे है। अमित शाह की अगर हम बात